नमस्कार, सत श्री अकाल। आइए दोस्तों, देखते हैं आज उपमा कैरेट के साथ कैसे बनता है। हमने 1.5 गिलास रवा लिया हुआ है, उसके लिए 3.5 गिलास पानी लिया हुआ है, साथ ही में हमने गाजर किसके रखा हुआ है, राई और चना दाल को पहले फ्राई करेंगे तेल में, साथ ही में मिर्ची को भी फ्राई करेंगे जो कटा हुआ है, 5 हरा मिर्ची लिया हुआ है। ये रहा हमारा तेल, ये रहा नमक, ये रहा ग्रेटर, ये गाजर किसा हुआ। चलिए देखते हैं कैसे होता है। अब हमने तेल लिया है कढ़ाई में, कढ़ाई में हम राई को और चना दाल को गिराएंगे। चना दाल के रंग बदली होते ही अब हम हरा मिर्च को भी गिराएंगे। चना दाल का रंग बदली होते ही हम पानी गिराएंगे। देखिए दोस्तों, आज हम रवा को फ्राई नहीं कर रहे हैं, वैसे ही डायरेक्ट बना रहे हैं। चना दाल फ्राई हो चुका है, पानी गिरा रहे हैं। इसमें सॉल्ट टू टेस्ट और चीनी ऐड करेंगे। हमने 1 टीस्पून चीनी लिया हुआ है, ये देखिए 1 टीस्पून चीनी। पानी गर्म हो रहा है, अब हम कड़ी पत्ता को गिरा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा सॉल्ट टू टेस्ट। चना दाल को आप तेल की जगह घी से भी फ्राई कर सकते हैं, लास्ट में घी भी ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में लोग फास्टिंग कर रहे हैं, यानी डाइटिंग कर रहे हैं, बॉडी नहीं बनाना है उनको, सिर्फ उपमा खाना है। अब मैं घिसा हुआ गाजर को पानी में गिरा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब पानी एकदम गर्म हो चुका है, गाजर भी पक चुका है। अब हम इसी कढ़ाई में रवा गिराएंगे। इसे गैस को धीमी आंच में करेंगे और इसे चलाते रहेंगे ताकि लम्स फॉर्म ना हो, बढ़िया उपमा बन जाए। हमने गैस को छोटा कर दिया है धीमी आंच पर। अब इसे ढक के रखेंगे 3 से 5 मिनट के लिए। उपमा बन रहा है, उसके बाद तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। देखिए दोस्तों, उपमा बन के रेडी हो चुका है, बस हमने गैस को बंद कर दिया। आप कोथमीर गार्निश करेंगे। उपमा रेडी, एंजॉय। इसे लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों से बताइए, घर में बना के देखिए, खाकर देखिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमने उपमा को कैसरोल में ट्रांसफर कर दिया है। ये रहा कैरेट उपमा बगैर प्याज का। एंजॉय।